कानपुर में पत्थरबाजियों के कसूरवारों की फहरिस्त लंबी होती जा रही है। चार दिन के अंदर 40 के पोस्टर और 50 गिरफ्तारियां हो चुकी हैं और अब नए पोस्टर में नए संदिग्धों की पहचान और पड़ताल शुरू है। यूपी पुलिस की जांच के तीन बड़े बिंदु हैं। पहली ये कि पत्थरबाजी की साजिश में कौन कौन शामिल था, दूसरी ये कि पत्थर चलाने वाले कौन कौन थे, तीसरी ये कि पत्थरबाजों का ठिकाना कहाँ था। इनमें पुलिस ने पत्थरबाजी की साजिश में शामिल लोगों की धरपकड़ सबसे पहले शुरू की और तब मुख्य आरोपी हयात जफर हाशमी को पकड़ा गया। उसके पास 6 मोबाइल फोन मिले, उनमें कई व्हाट्सएप ग्रुप्स थे जिनके जरिए कानपुर में उपद्रव की साजिश के तार छिपे थे। हाशमी की बीवी खुद मानती है कि उसने फटाफट कई चैट्स डिलीट कर दिए थे। देखिए, मैंने अभी 2-3 बार पहले भी बताया है और मैं 100% श्योर भी नहीं हूँ, लेकिन मैक्स टू मैक्स बहुत ज्यादा अगर मान लेंगे तो जौहर के 10 ग्रुप। 10 ग्रुप की आप एडमिन थी, आप ये मान रहे हैं? मैं इतना कॉन्फिडेंस हूँ कि 3 या 5। तो आपने ऐसा क्यों करा? ये जांच का पूरा विषय था कि ये जो पुलिस के पास फोन्स थे ये जांच में काम आ सकते थे, ऐसा क्या हुआ कि आपको वो डिलीट करने की जरूरत पड़ी? अच्छा, तो पुलिस पे हम पूरा भरोसा कर लें? अरे, पुलिस पे हम 1 रुपए का भरोसा नहीं करते, 1% का भरोसा नहीं करते। पुलिस इतने झूठे झूठे एलिगेंस लगा रही है, सच्चाई सामने लाइए ना। हम तो कह रहे फोन आपके पास है, आप सारे रिकॉर्ड निकाल लीजिए, सारे रिकॉर्ड निकाल लीजिए, उसके बाद हमें बताइए आप। उन चैट्स में ऐसा क्या था जिसे डिलीट किया गया, ये पता लगाना यूपी पुलिस का काम है। हालांकि पुलिस अब कानपुर के प्री प्लान्ड उपद्रव के राजनीतिक एंगल को भी खंगाल रही है। कनेक्शन अभी जुड़ा है क्या इसमें किसी पार्टी का, ऐसा हो कि प्रोवोक किया गया हो ज़रा इस तरीके से? ये तो हम लोगों ने देखा है, कुछ फोटोग्राफ्स आ रही हैं, तो वो भी विवेचना का प्रश्न है, उस पर भी कार्रवाई आगे चल रही है। क्योंकि ये जानबूझ के घटना कारित कराई गई और की गई जिससे कि शांति व्यवस्था की स्थिति उत्पन्न हो। कानपुर के जिस इलाके में पत्थरबाजी की गई है, अब उस इलाके की 147 बिल्डिंग्स की लिस्ट बनाकर उनके अवैध निर्माण की जांच शुरू की जा रही है। क्योंकि चश्मदीदों का आरोप है कि पत्थर उन्हीं ऊंची बिल्डिंग्स से फेंके जा रहे थे। उपद्रव करने वाले सड़क की दूसरी तरफ मौजूद चंद्रेश्वर हाता नाम के इलाके के लोगों ने भी यही दावा किया है कि कई ऊंची इमारतों से पत्थरबाजी हुई। उस वक्त था इस बिल्डिंगों से क्या पत्थर फेंके गए? फेंके जा रहे थे, बराबर फेंके जा रहे थे, और उस टाइम इतनी भीड़ उधरे गए, वे लोग पहले से ही कुछ सामान वहाँ पर आधा पत्थर रखे हुए थे, उसके बाद में इस कदर कर रहे थे कि जान बचाना मुश्किल था। हम ही अनुरोध करेंगे प्रशासन जांच करे, जो अवैध उसका निर्माण गिरा दिया जाए, क्योंकि सुरक्षा कर्मी और हम लोगों पर सारे अटैक उसी पर किए जाते हैं। अब कानपुर जिला प्रशासन उन 147 बिल्डिंग्स की जांच करने जा रही है जिनकी भूमिका उस उपद्रव में सामने आई। देखिए, केडीए अपने इस कार्रवाई को अंजाम दे रहा है। लगातार केडीए ने चमनगंज और बेकनगंज एरिया में पूर्व में भी प्रवर्तन किया है, लेकिन अभी इस पर्टिकुलर इंसिडेंट के बाद बहुत ही सघन रूप से इस पे इंटेंसिव प्रोग्राम बना के केडीए कार्रवाई करेगा और निश्चित ही जो लोग इलीगल एनक्रोचर्स हैं उनके विरुद्ध में जो भी कार्रवाइयां लीगली प्रोसीड करने की हैं वो की जाए। इधर कानपुर शहर के काजी ने धमकी दे दी है कि अगर कानपुर में बुलडोजर चला तो लोग कफन बांधकर बाहर निकल आएंगे। अगर इस तरह की कोई कदम उठाए गए तो फिर सर पर कफन बांध के लोग निकल भी आएंगे मैदान में, ज्यादा दिन इंतजार नहीं कर पाएंगे। अब ज्यादती की इंतहा, सब्र का इंतहा हो रही है। अगर यही अगर मतलब होना है तो फिर ठीक है। वो शहर काजी का आरोप है कि कई बेगुनाह लोगों को पुलिस पकड़ रही है और घर वाले फरियाद लेकर उनके पास पहुंच रहे हैं। लोग की आवाज़ कोई सुन नहीं पाएगा ना, इसलिए हम लोग को नहीं कहना, क्योंकि जब कहेंगे तो कोई सुनेगा नहीं, सुनवाई होगी नहीं, इसलिए फायदा नहीं कहने का। बकरी का फार्म है गंगा बैराज पे। आप बहुत इमोशनल हो रहे हैं। पापा है, कल तो उठा ले, कल रात से भूखे हैं, ना खाना पीना खाया, कल तो उठा ले, पुलिस कुछ बता नहीं रही, कुछ भी नहीं बता रहा, कुछ बता ही नहीं रहा कि किस लिए। मम्मी हमारी बीमार रहती है। बताओ किस लिए उठाया है, क्यों उठाया है, किस बात के लिए उठाया है। हालांकि जिला प्रशासन का दावा है कि हर गिरफ्तारी फोटो वीडियो और दूसरे सबूतों के आधार पर की जा रही है ताकि कोई निर्दोष न पकड़ा जाए। और ऐसे ही वीडियो सबूत के आधार पर प्रिंटिंग प्रेस का मालिक भी पकड़ा गया है जिसने पोस्टर छापे थे। आपके यहाँ पे पोस्टर छापे गए जो बंद बुलाए? 20 पोस्टर था आपसे बोलने के लिए कि यहाँ पे वही बताया गया, वो नाम जो अभी लिया जा रहा, क्या नाम? हाशमी जी। क्या बोला था उन्होंने आपसे? उन्होंने 20 पोस्टर छाप दो, तो 20 स्टिकर छाप दो, स्टिकर हमने छाप दिए थे। कुछ उन्होंने आपसे बातचीत करी? नहीं, कोई नहीं। फिलहाल पुलिस की धरपकड़ का अभियान जारी है। घटना के 4 दिन के अंदर 50 लोगों की गिरफ्तारी से अंदाजा लगाया जा सकता है कि कानपुर में 3 जून को
कितनी बड़ी वारदात की साजिश थी जिसे पुलिस ने संभाल लिया। सिमर चावला के साथ समर्थ श्रीवास्तव, कानपुर, आज तक।